हां ये बात जय श्री राम जय श्री राम जय राम की जय भारत माता की जय भारत माता की जय और से जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की जय। व्हाट्स अप गाइस, दिस इज वेरियन मैनल फॉर आना। खुशी हो रही है आज, खुशी इसलिए हो रही है कि सुंदरबनी के लोगों ने दिल जीत लिया भाई। दिल चलिया वो नहीं आता अभी। सुंदरबनी के लोगों ने आमिर माजिद को रोका, उसे सॉरी बुलवाया जो उसने उस टाइम पे आर्मी वालों के बारे में बकवास की थी। गाली दी थी उसने रास्ते में चलते हुए और आज उस चीज की सॉरी बुलवाई है सुंदरबनी वाले लोगों ने। तो भाई तहे दिल से और हाथ जोड़ के आपसे बहुत बहुत थैंक यू कि आपने एक छपरी को उसकी औकात दिखा दी, क्योंकि कुछ जगह पे जहाँ पे वो पहले गया था मुझे मैसेज आते रहते लोगों के, डीएम आते रहते इंस्टाग्राम में कि भाई ये यहाँ स्पॉट हुआ वहाँ स्पॉट हुआ, पर हमें क्या करना है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या कर रहा है। पर जो मुझे कल रात को जो मैसेज आया जिसमें ये दिखाया है कि भाई उसने आर्मी वालों को सॉरी बोला और बाद में जय श्री राम बोला, तो भाई सुंदरबनी वाले लोगों दिल जीत लिया भाई। और देख लो पब्लिक पीछे लोग लड़के ना आमिर आर्मी को ऐसे गाली दी है ये कि वो के विशाल भाव ने भी उसकी ठीक ठाक बजाई थी। तो मैंने उस चीज पे क्यों रिएक्ट नहीं किया, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से रिटायर्ड हैं, मेरे फादर आर्मी में कर्नल हैं, तो मैंने उस चूतिए से तो हज़ार गुना ज़्यादा फौज देखी है। तो उस चीज़ में क्या होता है, मैं बहुत क्लोजली रिलेट कर पाता हूँ एक आर्मी की लाइफ के साथ, एक आर्मी की ज़िंदगी के साथ। तो मैं अगर उस टाइम पे कुछ बोलता तो मैं माँ बहन बाप भाई सब इसका एक साथ कर देता, इसलिए मैंने उस चीज़ में बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं किया कि मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि अगर मैं उस चीज़ में पढ़ा तो यही होगा उसके साथ। तो ठीक यार, डिलीट नहीं की आप कहो भगवान की जय की, मैंने चैनल से वीडियो डिलीट किया। वो वीडियो अच्छा हम ना आपका पेज खोला उधर वो वीडियो नहीं देखी, वीडियो डालनी थी भैया उसका ट्रिम का ऑप्शन होता YouTube। आपने नहीं बोला मेरी साइड पे बोला है ना, बस सॉरी मांग लो, सॉरी बोल दो, बोला सॉरी बोल दो, चुप चुप सॉरी बोल दो भैया, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे सॉरी बोलने में मुझे कोई बात बोल दो, पहले बात सुनो, इंडियन आर्मी के लिए सॉरी, बट इंडियन आर्मी को मैंने बोला ही नहीं, चलो सॉरी बोल दी, सॉरी, जय श्री राम, जय श्री राम। जो लोग प्यार नहीं करते उनको सच्चाई पता चल रही है धीरे धीरे इसकी और वो दूसरे वाले की, और जब सच्चाई पता चलती है तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हमारा काम है सच की सच्चाई दिखाना आप लोगों को। बहुत सारे अभी आने वाले उसके भड़वे कमेंट सेक्शन में मैसेज करने के लिए, तू तो व्यूज क्या कर रहा है, तो उसके लिए कर रहा है, तो भाई सच दिखता है सच बिकता है। जिस पॉइंट पे मेरी ज़्यादा थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाता है मैं आके तुम्हें दिखाता हूँ कि भाई ये देखो, अदरवाइज मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ यार, तुम अपना कंटेंट बनाओ। जिस टाइम पे तुम्हारा थ्रेशोल्ड मेरे से पार हो जाता है तो तुम बनाओ, तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, ठीक है। और दूसरे वाले ने भी छोड़ो, दूसरे वाले की बात अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसके बहुत चमचे आसपास घूम रहे आजकल। तो यही था भाई, तो वंस अगेन सैल्यूट टू सुंदरबनी पीपल फॉर गेटिंग दैट एस ऑन ट्रैक, एंड अच्छा लगा देख के, बहुत अच्छा लगा। इसे जाने दे रहे हैं, नहीं तो भैया अगर गुस्सा होता ना बहुत मारते कसम से, बहुत मारते भैया, फिलहाल पहुंचने वाला बंदा, ऐसे और भी काम हो सकते हैं, चलो गुड। तो गाइस ये पीछे छोटा सा सेटअप अगर आपको दिख रहा हो, वो DJI का ड्रोन पड़ा है, बाकी GoPro वगैरह कैमरा है, G7X Mark II, पीछे मैं Ducati की, अब मैं आपका कुछ काम कर रहा हूँ बिकॉज Ducati की सर्विस चल रही है नीचे, भैया कोलकाता से स्पेशली आए हैं वो, नेक्स्ट व्लॉग में आप लोग देख लोगे कि क्या हुआ, कितना टाइम लगा, एक दिन एक्स्ट्रा क्यों लगा, ऐसा क्या हुआ, डिटेल्ड में भाई बताया गया, जो सही में जेन्युइन बाइक लवर था ना, एक एक चीज़ समझाई गई है, एक एक चीज़ बताई गई है, कहाँ पे किसकी प्लेसमेंट है, किससे क्या होता है। तो जो जेन्युइनली Ducati V4S के बारे में जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताओ, अगले व्लॉग में फुल डिटेल बताएंगे, वरना ऊपर से सर्विस बताएंगे कि ये हुआ ये चेंज हुआ वो हुआ, बेसिक अगर डिटेल में जानना है तो कमेंट में बताओ कि भाई Ducati डिटेल वीडियो, तो उस हिसाब से फिर हम डिटेल वीडियो डालेंगे। तो यही था भाई आज का अपडेट, एंड तुम तब तक एंजॉय तो करो, जय श्री राम भाई की तरफ से।
जय सियाराम और जय हिंद टू इंडियन आर्मी। यार डिलीट नहीं की, बोला है ना, बस सॉरी मांग लो, सॉरी बोला तो जय सियाराम। और भाई जैसे आप लोग देख रहे हो वो बंदा बोल रहा है कि अगर गुस्सा नहीं होता तो खूब मारते, इसके काम ही ऐसे, इसने हर जगह सिर्फ पिटना ही है। और मैं तो बता रहा हूँ अच्छा ही अगली बार कहीं आमने सामने नहीं आ गया, क्योंकि इसके तो मैं बहुत थोड़े फाड़ के हाथ में दे दूंगा। विशाल भाई से मेरी बात हुई थी, इतने चिपे पड़े हैं ना लोग इस पे, इतने चिपे पड़े हैं। तुम सोचो ये अब तक नहीं गया यार अगस्ता भाई के घर, सोच रहे हो एक महीने से ज़्यादा हो गया, पुलिस ने बुला लिया। बाइकर सैमी की वीडियो में देखा ना तुमने कि पुलिस ने इसको बोला है कि आ जाइए, तब भी नहीं आ रहा। तो भाई तुम लोग समझ नहीं रहे तुम किस इंसान को फॉलो कर रहे हो और क्या क्या गलतियां कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, क्या कर रहे हो। हर एक महीने में तो अपनी नई बाइक बेच देता है, सॉरी लाइगर सॉरी करता रहे सिर्फ जिंदगी में, ठीक है। मेहनत मत करना, कुछ आगे मत करना, बकवास करा लो इससे। भैया बात सुनो, इधर सबसे बड़ी बात है ये लड़का हमारे जम्मू का प्रमोट कर रहे हैं, जम्मू को हम प्रमोट करेंगे भाई, क्यों आप हमारे जम्मू क्यों, और दिल से सपोर्ट है, हम ये बिल्कुल नहीं सहेंगे। इन्होंने कहा कि सॉरी, थोड़ी बाइक आगे करो, हमारे जवानों को सिर्फ सॉरी भी, मेरे सॉरी कहने से भी कम है भाई, वो बंदे उनके कारण हम यहाँ रह रहे हैं। मैं पैंगोंग जा रहा हूँ, अगर हमारे जवान नहीं होते मैं पैंगोंग ही नहीं जा पाता। नहीं, बस यही बात है, बस के लिए इज्जत है, बस 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 यही बात है भाई। बाकी मेरी बात सुनो, बाकी दिल से सपोर्ट है, इधर देखो लोग करते होंगे, बांटते होंगे चीजों को, लोगों को बांटते होंगे। मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं धर्म में नहीं कहता, नहीं वो बस दिल से सपोर्ट है इसके लिए, वो कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। चलो भाई रास्ता नहीं रोकेंगे आपका। तो भैया सीन है, किसी गाली नहीं देनी, कुछ नहीं भाई, चलो भाई फुल ठीक है यार, चलो बाकी जरूरी थी भाई, सेफ जर्नी भाई, ये अभी तो रुका है, अभी तो रुका है, ये बात। और मुझे ना बहुत टाइम पहले एक बंदे ने इसकी एक फोटो भेजी थी, रेड लाइन रेसिंग स्टोर पे गया था और रेस सूट पहन के ना फोटो खिंचवा के मस्त इसने स्टोरी डाल दी थी, और लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि भैया आपने एक बंदा सुधार दिया, आपने एक बंदे को गियर्स बना दिया। तो बाद में बचला वो तो सिर्फ फोटो ऑप्स थे, सिर्फ दिखावा था वो, उसने तो कोई रेस सूट खरीदा नहीं, सिर्फ फोटो डाल के चिपका दी उसने, 1,00,000 का सूट पहन के दिखा दिया लोगों को, आप लोगों को कि भाई मैं तो गियर्स फॉलो करता हूँ, मैं तो ये फॉलो करता हूँ, मैं ये बकचोदी करता हूँ। पर कहाँ है, कभी देखा उसके ब्लॉग में, किसी और फोटो में देखा? सिर्फ शॉप पे जाके फोटो डालने से इसका मतलब नहीं होता कि तुमने वो चीज़ ले ली, उस चीज़ को फॉलो करो, इम्बाइब करो। चड्डी बनियान पहनेंगे, नीचे जूते पहनेंगे, तुम अपने आप को राइटर बोलते हो, पर यार सुंदर बनी मजा आ गया जो तुमने इसको पेलाया आज, ओए ओए ओए, आज तो पार्टी मेरी तरफ से।